बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे जी। तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं चाट, चना चाट। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये आलू मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 किलो, इनको उबाल लिया और फिर ब्रीक ब्रीक काट लिए हैं। ये देखिए इतने मैंने पीस के पीस कर लिए हैं। और ये उसके बाद मैंने लिए थे चने, और ये वाइट और ब्लैक मैंने दोनों ही मिक्स कर लिए थे। और ये तकरीबन 1/2 किलो था चनों का, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया। दोनों में नमक शामिल किया था, अलग अलग से दोनों को बॉयल कर लिया है। उसके बाद फिर ये मैंने लिया था प्याज, तकरीबन 1 लिया प्याज बड़े साइज़ का, उसको भी ब्रीक ब्रीक मैंने ये काट लिया था। साथ में ये इमली है, इसका मैंने पानी बना के रखा है। इसको इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसको छान के, तो फिर ये पानी उसका रखा है इमली का। और ये हमारे पास चाट मसाला, तकरीबन 4 चम्मच मैंने लिए हैं ये वाले चाट मसाला। और उसके साथ ये है चीनी, हमारे घर में जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें ये चीनी भी थोड़ी सी शाम करिए, 2 चम्मच मैंने ये चीनी ली है, ये वाले 2 चम्मच। और ये हैं 7 टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के। ये 3 हरी मिर्चें ली हैं बारीक बारीक काट ली हैं। ये धनिया पुदीना मैंने बारीक काट लिया है। और साथ में ये नमक 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, क्योंकि जब मैंने आलू और ये चने बॉयल किए थे तो उसमें भी मैंने नमक शामिल कर लिया था, इसलिए मैंने ये 1/2 टीस्पून लिया है। बाकी आप हसबे जायका जितना आपको ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को बड़े से बर्तन में। उसके बाद ये चना है, ये इसमें, और उसके बाद जाएगी ये प्याज, अब ये बाकी के मसाले डाल दूंगी मैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चाट है ये, आप अपने घर में ज़रूर बनाइए। ये उस वक्त हम लोग मैंने देखा था जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पे जो आंटी कंटीन वाली है वो बनाती थी, तो बहुत ही मज़ेदार होती थी। तो ये इसी तरीके से ही वो भी बनाती थी, बहुत ही मज़ा आता था स्कूल में। बस साहब तो वो दिन याद ही आते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से हम डाल देंगे। अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको लगे तो आप अपनी मर्जी से नमक भी डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो, चाट मसाला वगैरह जिस तरह से आप लोगों को मकदार इसकी आप बढ़ा भी सकते हैं पसंद हो। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, जी तभी वजह हमने चाट को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और लजीजी चटपटी है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। आप बनाएं अपने घर में, ट्राई करें। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, निगहबान।